आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन और काबली पलाव से शोहरत हासिल करने वाली सबीना फारूक की जाती जिंदगी, करियर और ड्रामों पर। सबीना फारूक पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में एक जबरदस्त इजाफा हैं। उन्होंने सुनो चंदा से अपने करियर का आगाज किया, तेरे बिन और काबली पलाव जैसे ड्रामों में जबरदस्त अदाकारी की और सबके दिल जीत लिए। सबीना फारूक की उम्र 29 साल है। वो हादसाती तौर पर इंडस्ट्री में आई थी। वो बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में है और उनके वालिद पंजाबी हैं और वालिदा पश्तून है। यही वजह है कि वो सुनो चंदा 2 और काबली पलाव में पश्तून किरदारों को इतनी आसानी और फितरी तौर पर निभाने में कामयाब हुई। सबीना के 2 बहन भाई हैं, एक भाई और एक बहन। दोनों इनसे बड़े हैं और उन्होंने इस्लामाबाद से मीडिया साइंसेस में ग्रेजुएशन किया है। इनके खानदान में कोई भी मीडिया में नहीं था और मीडिया में आना इनके लिए इब्तदाई तौर पर तो खुशखबरी नहीं थी। जब सबीना अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहती थी और इंडस्ट्री में शामिल होना चाहती थी तो इनकी बहन ही थी जो इनके साथ खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने वालदैन को राजी किया था कि वो इन्हें अदाकारी में शामिल होने दें। इनका खानदान एक इंतहाई मामून है और इनके वालदैन अब इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो अपने करियर में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। सबीना अभी तक सिंगल हैं। उन्होंने अवामी सतह पर किसी रिश्ते का ऐलान नहीं किया। चूँकि सबीना हादसाती तौर पर अदाकारा बनी, कॉलेज में इनके सीनियर्स ने इन्हें अदाकारी शुरू करने पर आमादा किया था क्योंकि वो इनमें कॉन्फिडेंस देखते थे। वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थी और कॉलेज में काफ़ी पुरइत्माद भी थी। सबीना ने इंकशाफ किया कि इनका कॉलेज इस्लामाबाद में पीटीवी के साथ था और वो वहाँ ऑडिशन देने गई थी। उन्हें मुंतखब कर लिया गया और 2018 में नुमान इजाज की अदाकारी में धर्म के इनवान से इन्होंने अपना पहला ड्रामा किया। इसके बाद वो कई ड्रामों में नजर आईं और हर परफॉर्मेंस के साथ लाइमलाइट में रहीं। सबीना फारूक अब तक कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं जिनमें सुनो चंदा 2, मुकद्दर, कश्यफ, मोहलत, दिल आवेश, मेरी शहजादी, दी इजाज, लोग क्या कहेंगे, तेरे बिन और काबली पलाव शामिल हैं। सबीना फारूक के हिट ड्रामों की बात करें तो सबीना फारूक हमेशा अपना 100% देती रही हैं, लेकिन ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया का किरदार ही था जिसने उन्हें पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। वो शुरू में ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन वो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हया के किरदार को मुंतखब किया और अचानक काबली पलाव में इनका किरदार बारबीना टेलीविजन पर सबसे प्यारी मारूफ खातून के तौर पर सामने आया जिसने उसे इंडस्ट्री के नक्शे पर ला खड़ा किया।